गाइस गुड मॉर्निंग, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ, आप देख रहे हो मोटर किंग ब्लॉग। तो देख सकते हो हम अभी है ऑफिस में, तो बस अब चाय वगैरह पी के हम आ चुके। तो आज अपने काम है अपने पास, आज अपने गाड़ी के कैबिन का काम कंप्लीट हो चुका है। तो मैं सोच रहा हूँ अंदर की पेटी वेटी सब हम अच्छे से साफ कर लेते, क्लीन कर लेते। यार हमें हवा की मशीन चाहिए थी पर वो मशीन तो नहीं है इनके पास, तो देखते हैं। यार मैं ब्रश वगैरह लेके आ चुका आया हूँ, तो देखते वही उससे काम चला लेंगे, अब साफ कर लेंगे पेटियाँ, क्योंकि जल्द से जल्द निकलना है गाइस, टाइम पास नहीं करना है अब, क्योंकि जल्दी जाना है यार। गाड़ी अब तक मुझे लगता है कल या फिर परसों गाड़ी पेंट पे लग जाएगी अपनी। अब लगभग पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, मैं आपको पूरा रिव्यू अब देता हूँ गाड़ी का क्या क्या काम हुआ है, क्योंकि मैंने दो तीन दिन में कोई गाड़ी की वीडियो नहीं डाली। तो चलिए आपको दिखाता हूँ बाहर में, देख सकते हो गाइस अपनी गाड़ी का। आज ठंडे फिर भी बंदे आ चुके हैं काम पे, क्योंकि ये सुबह 7 बजे आए, अभी 12 बजे जाएंगे। आज इनका भी हाफ डे होता है ठंडे में। तो हमने स्टेयरिंग वगैरह खोल के रखी थी, यहाँ पर रखी है, और ब्रश वगैरह सब सामान लेके आए हम गाड़ी को साफ करने के लिए। तो चलिए आप जाते हैं अंदर। पहले मैं मोबाइल में बैटरी कम है यार, चार्ज लगा देता हूँ मोबाइल को। तो अपने गाड़ी में सब सामान देखो कितनी गंद पड़ी है यहाँ पर, काफी सामान पड़ा हुआ है अंदर, गंदा पड़ा हुआ है। चलिए हम इसको करते हैं अच्छे से साफ, क्योंकि गाड़ी अब कल या फिर परसों अपनी गाड़ी पेंट पे लगने वाली है यार। इस साइड भी एक बॉक्स बनाएंगे, कल देखेंगे उनको, इस साइड पे बना दिया उन्होंने। ऊपर की साइड में हमने कुछ ऐसे तस्वीरें लगाई है, उल्टी हो गई ऐसे देखो आप। ये वाली फोटो हमने ऊपर लगा दी, और उनकी भी फोटो हमने लगा दी यहाँ पर आगे सेंटर में, भगवान की उनकी दया से सब काम काज अपना सही चल रहा है। मीटर प्लेट देखो आप, मीटर प्लेट ऐसी बनी है अपनी। तो चलिए आपको अच्छे से साफ सफाई करने के बाद फिर मैं आपको फिर से दिखाऊंगा, क्योंकि ये सनमाइका वगैरह सब गंदा पड़ा हुआ है, इसको अच्छे से साफ करेंगे। तो वैसे अपने गाड़ी की हमने सफाई कर दी, मतलब ठीक जितनी ब्रश से हो सकती उतनी कर दी, और अब हम जा रहे हैं मार्केट और लाएंगे कुछ सब्जी उब्जी। आज संडे है तो सब्जी उब्जी लाते हैं कुछ मार्केट से। निकल रहे हैं राहुल भाई और मैं जा रहा हूँ दोनों, हम तो चलिए निकलते हैं बाइक लेके। गाइस हम दोपहर को खाना मतलब नाश्ता करके आ गए थे, और आके बढ़िया एसी लगा के रूम में सो गए थे यार। हमें सब मार्केट जाना था सब्जी लाने, पर हम गए नहीं उस टाइम, क्योंकि खाना खाया और हम इधर ही सो गए। तो अभी निकले मैं, अभी नहाया हूँ, नींद से उठा और नहा धो के फ्रेश हो गया। अभी बज चुके 5-6 बज चुके, चलिए हम राहुल भाई और हम जा रहे हैं मार्केट, और अनुज भाई भी आने वाले खाना खाने के लिए। तो जा रहे हैं हम सब्जी वगैरह लाएंगे, तीनों मिलकर कुछ खाना वगैरह बनाएंगे यार। चलिए निकलते हैं। हम आ चुके वर्कशॉप में, तो मार्केट जा रहे थे हम, तभी भाई ने आवाज़ दी, गाड़ी भाई की गाड़ी है 12 टायरी, तो 12 चक्की यहाँ पर रेडी हो चुकी है, ब्लैक शो और टमाटर कलर देख सकते हो। नीचे ऐसी कुछ बनी है गाड़ी, काफ़ी सुंदर बनी है, बिल्कुल दूसरे वर्कशॉप में बाजू में ही। पीछे से कुछ ऐसे बना हुआ है डाला, टेपिंग काफ़ी सुंदर और फिनिशिंग में, अच्छी फिनिशिंग में टेपिंग की है, काफ़ी बढ़िया लग रही है, अच्छी टिपिंग की है गाड़ी में। 5757 ट्रांसपोर्ट @ काफी सुंदर टिपिंग की है गाड़ी में। भाई का नंबर और अपना नंबर कुछ सेम ही है, अपना 75-72-27-75, भाई का 77-57 है। चलिए देखते हैं अंदर से गाड़ी कैसी बनी है, लॉक खुली है। वही वाला है सनमाइका, वही है, हाँ सेम है, वही है अपने गाड़ी में, इन्हें भी जो सनमाइका चढ़ गए भाई गाड़ी में। अरे यार
बिल्कुल सेम अपनी गाड़ी का और इस गाड़ी का और अपने गाड़ी का सनमाई का बिल्कुल सेम है, थोड़ी बनावट में फ़र्क है और कुछ नहीं, एकदम बढ़िया, काफ़ी सुंदर लग रही है गाड़ी। हमें ऊपर में फ़ोटो लगाइए और महीने लगाई इसमें स्टील के टेपिंग करवाइए, बिल्कुल सेम है दोनों गाड़ी में, कोई फ़र्क नहीं है, अपनी भी गाड़ी बिल्कुल सेम ऐसी बनी है। दो गाड़ियाँ बनाई है सेम। हाँ। अच्छा कोई नहीं सेम लगाया। फोटो शीशे लगाया। मीटर बॉक्स भी बिल्कुल ऐसे ही बने अपनी गाड़ी का, बिल्कुल सेम है, कोई फर्क है नहीं, काफी सुंदर गाड़ी बनी हुई है। कोई नहीं करता जब अंदर एंगल लगी है, बाहर लाने की बाहर लाने की जरूरत है, जरूरत पता क्यों है, ए जड़ी चीज है ना, ए चीज अगर बाहर नहीं लगेगा तो ए त्रोड़ देगी, ਇਹ ਤਾਂ ਤਰੋੜੇਗੀ ਜੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਐਂਗਲ ਲੱਗੇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਕਾਕੇ ਡੈਂਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਗਾੜੀ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਪਰ ਵੀ ਸਨਮਾਈ ਦਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਪਰ ਵੀ ਸਨਮਾਈ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਬ ਵੀ ਦੇਖेंगे ਕੱਲ ਬੰਦੇ ਆਏਗੇ ਉਨਕੋ ਬੋਲ ਦੇਗੇ ਯਾਰ ਯਹਾਂ ਪਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਾੜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲਗਵਾਓ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜेंगे ਗਾੜੀ ਮੈਂ। ये चीज बनी ऐसे, इसको ऐसे लॉक, अगर लॉक नहीं करना है तो फिर इसको ऐसे छोड़ के ऐसे कर सकते हैं। ये चीज बढ़िया है। ये उन्हीं का है बाबूजी, ये उन्हीं का है। हम आए थे अभी जस्ट, थोड़ा मैं सो गया था, तो चलिए अब देखते हैं नीचे जाके, देखते हैं अपने गाड़ी का क्या काम हो रहा है। तो मुझे लगता है अपने गाड़ी का ये जो है, यहाँ पर डोर बन रहे हैं अपने गाड़ी के स्लाइड वाले, यहाँ पर काम लगा हुआ है, दो डोर ऊपर से। अपने गाड़ी की लुक देखो, गाड़ी का टूल वगैरह सब रेडी हो चुका है। चलिए नीचे जाके मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी का क्या क्या काम हुआ। तो देखो गाइस, आ चुके नीचे गाड़ी के पास, आगे का टूल अपना रेडी हो चुका है। छोटे मोटे काम बचे हुए और अपने गाड़ी का डोर भी काम लगा हुआ है, अंदर से कुछ ऐसी लुक है। एक बार अब पूरी होने के बाद ही गाड़ी की असली लुक पता चलेगी। यहाँ पर हमने डीजल का ढक्कन और ये यूरिया का ढक्कन, यहाँ पे मैंने लगवाया स्टील का पाइप, नीचे टेपिंग होगी खुली जगह और बाकी सब काम हो चुका है लगभग। यहाँ पे भी लगा देंगे मैट, क्योंकि पीछे का भी ये मरगाड़ कुछ ऐसे बना है अपने गाड़ी का, ये पीछे का टूल इस साइड भी है और उस साइड भी टूल बना हुआ है, पीछे का अंदर का तो आपको दिखाई दिया मैंने, बाकी की पीछे का भी काम कंप्लीट है। इस साइड का ये टूल है, इसमें अभी लकड़ भरना बाकी है, नीचे मैट वगैरह बिठाएंगे, मैट वगैरह मुझे लगता है कल या फिर परसों अपनी गाड़ी की पेंट पे लग जाएगी। ये भी 14 टायर रेडी हो चुके, जो वो अपने गाड़ी के सामने बन रही थी वाइट कलर की, मैंने उस दिन दिखाया था आपको, येल्लो कलर की है गाड़ी में। ये भी साइड वाली प्लेटें, मतलब ये जो टायर की विंग कप कुछ ऐसे लगा इस गाड़ी में, पीछे भी ये वाला शिपनी का कवर, ये भी बढ़िया लगा है भाई ने, इसमें भी मैट वगैरह सब लग चुका है। पीछे से कुछ ऐसी लुक है गाड़ी की, ये भी जहाँ पर अपनी गाड़ी बनी बन रही है वहीं पर ये भी रेडी हो चुकी है। हाँ जी उस्ताद जी, की हाल चाल है, अपनी गड्डी कहाँ पे? तो मैंने ये वाली विलकप लगाई, इस पर टेपिंग नहीं करी, मतलब एकदम हेवी है, मजबूत अच्छी चीज़ लगाई है हेवी वाली। ये भी गोला काफ़ी सुंदर लग रहा है, हम भी देखेंगे अपनी गाड़ी में टायर के ऊपर ये वाला गोला लगाएंगे या फिर वो जो स्टील वाला जो आगे के टायर में लगते हैं वो वाले लगाएंगे। पेंट वगैरह काफ़ी सुंदर और एकदम लुक वाली पेंट हो चुकी है, काफ़ी बढ़िया पेंट किया, टेपिंग तो काफ़ी ज़बरदस्त हुई है गाड़ी की,
ड्रीम मोटर कंसेप्ट दादा एम्बोरा ये बनाया है। ये गाड़ी चलती है अकेले पे, इस पे सौदा का DMC साइड में नाम लिखा है ट्रक लवर्स, और आगे से आपको दिखाता हूँ गाड़ी की लुक, देख सकते हो गाइस मैंने काफ़ी सुंदर लुक बनाई है गाड़ी की, गबरू स्टाइल बहुत बढ़िया बनी है गाड़ी, वाइट शो और येलो कॉम्बिनेशन। चलिए हम अंदर से आपको दिखाता हूँ मैं गाड़ी। भाई ने गाड़ी में लगवाई है कार वाली सीट, देख सकते हो ये वाली सीट है, काफ़ी सुंदर और बढ़िया बैठक हो चुकी है गाड़ी में। पीछे के नीचे के कुछ ऐसी है लुक, मीटर बॉक्स जैसा है इसका, काफ़ी सुंदर कैबिन बना हुआ है। लाइट का वगैरह सब काम हो चुका है गाड़ी में, और भाई ने लगाई है यहाँ पर स्क्रीन गाड़ी की, तो यहाँ पर लगाई है स्क्रीन, बाकी का लगभग पूरा काम कंप्लीट हो गया है गाड़ी का। मुझे लगता है कल या फिर परसों भाई निकल जाएंगे, थोड़ा अंधेरा होने के वजह से थोड़ी लुक थोड़ी कम आ रही है गाड़ी की। आगे का डैशबोर्ड वगैरह काफ़ी सुंदर बना हुआ है, लाइट जला ली तो अब देख सकते हो गाड़ी की लुक अभी सुंदर बनी है। बस सीटें वगैरह बैठने बिठाने बाकी है गाड़ी की, सनमाइका बिल्कुल अपने गाड़ी की जैसी है, इसकी थोड़ी सी अपने सनमाइके में लाइन है, और इस सनमाइका वाला मतलब प्लेन है, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर लगी है रेड और ग्रीन कलर की लाइट, गाड़ी है देख सकते हो, ये इस कंपनी का सनमाइका है, और भी बिल्कुल अपने गाड़ी का भी सनमाइका इसी कंपनी का है, बस इसमें डिजाइन जो है वो वाली अलग है। यहाँ पर इसका बोर्ड लगा हुआ है, स्विचेस लाइट के, काफी बढ़िया लाइट लग रही है गाड़ी की। वीडियो हो चुकी है, एक दो दिन में भाई अब निकल जाएंगे यहाँ से। भाई देख सकते हो यहाँ पर अपने गाड़ी के हो रहे डोर बन रहे, यहाँ पे डोर, यहाँ पर बहुत से मतलब सनमाइका भी लगाते हैं इसके ऊपर हम, सॉरी सनमाइका लगाते हैं और स्टील भी लगाते हैं, तो इस गाड़ी में लगा हुआ स्टील, तो मैंने इसको लगवाया सनमाइका, क्योंकि मैच हो जाता है जब डोर लगता है तो स्टील कुछ उस बीच में अलग ही दिखता है, तो मैंने दोबारा इस पर सनमाइका ही लगवाया, उनको बुलाया जिस पर सनमाइका ही लगा दो। हो रहा है पत्ती वगैरह फिट हो रही है, आज डोर अपने फिट हो जाएंगे। यहाँ पर लगा हुआ है सामान के लिए झगड़ा ये चालू रहता है इनका, किसी की कोई चीज़ लेता है तो इनका झगड़ा चालू हो जाता है। भाई की हथौड़ी लेके आए भाई, तो भाई चिढ़ गए। हो गए सब शांत। चलिए फाइनली गाइस हम आ चुके हैं बदौसा के पास, तो देख सकते हो उनकी गाड़ी रेडी हो चुकी है। देखो गाइस इनकी गाड़ी में हो चुका है जेड ग्रीन कलर, जो अब हमारा फेवरेट, पहले गाड़ी में था ब्लैक कलर, अब डैशबोर्ड वगैरह सब नया, मतलब ब्लैक कलर था गाड़ी में, अब हो चुकी गाड़ी ग्रीन कलर चेंज कर दिया,
टेक वगैरह सब फिट हो चुका है गाड़ी के। पीछे का कलर वही है, फंटा कलर, बस शो का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। यहाँ पे चल रहा है इलेक्ट्रिशियन का काम, देख सकते हो जेड ब्लैक कलर कितना बढ़िया लग रहा है, काफ़ी खतरनाक चमक रहा है। अंदर से बनी कुछ ऐसी